दो अलग अलग तरह के तासीर के खाना अगर खाएंगे तो वो दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। जब भी आप कुछ भी खाते हैं, वॉट एवर यू हैव ईटन इन योर लाइफ टाइम, जब भी आप कुछ भी खाते हैं उस खाने को पचाने के लिए आपका बॉडी उस खाने को पचाने वाला एक केमिकल प्रोड्यूस करता है, राइट, जो कि वो वाला खाना पचा सकता है। और उसी वक्त अगर कोई ऐसा खाना खाया जिसकी तासीर इससे अलग हो तो उसके लिए एक डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और ये भी हो सकता है वो दोनों केमिकल आपस में रिएक्ट करेंगे एंड दैट विल कॉज अ रिएक्शन और उससे गैस बनेगा जो कि अनफॉर्चुनेट है, और वो गैस को बोलते हैं एसिडिटी। ये गैस अगर बार बार, अब ये तो क्यों होता है, मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ऑरेंजेस, आप अगर याद करेंगे तो ऐसे एक्सपेरिमेंट अनजाने में आपने कभी किया होगा कि मान लो आपने दूध पी लिया, राइट, तो दूध जब पेट में गया तो उसको हजम करने वाला केमिकल बॉडी ने रिलीज किया क्योंकि आपने दूध पिया। अब लेकिन थोड़े आधे घंटे बाद आपने ऑरेंजेस खाने खा लिया, ऑरेंजेस खाने के लिए क्योंकि ऑरेंजेस इज अल्कलाइन इन द बॉडी एंड मिल्क इज एसिडिक इन द बॉडी, तो ऑरेंजेस के जो केमिकल्स हैं जो बॉडी जो वाले केमिकल ऑरेंज को डाइजेस्ट करेंगे वो अलग हैं। तो इस वक्त आपके पेट में दो तरह के केमिकल बॉडी ने प्रोड्यूस कर दिया, स्टमक ने प्रोड्यूस कर दिया, एक तो वो जो एसिडिक फूड को डाइजेस्ट करेगा फॉर एग्जांपल डेयरी प्रोडक्ट्स, दूसरा वो जो अल्कलाइन फूड को डाइजेस्ट करेगा जैसे कि ऑरेंज। ये दोनों केमिकल आपस में भिड़ गए एंड दैट इज प्रोड्यूसिंग गैस, जो गैस के डकारे बोलते हैं या एसिडिटी बोलते हैं, गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। और ये वाला गैस अगर बार 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 किसी के प्रोड्यूस होता है तो पेट के अंदर वो छोटे छोटे छाले या वो छोटे छाले धीरे धीरे बड़े छाले बन सकते हैं और दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एसिडिटी। तो ये सीक्वेंस है, एसिडिटी क्या है और क्यों होती है। इसके कॉम्प्लिकेशन बड़े भयानक हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन में डेथ हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखिए पहले तो मैंने बोला कि घाव बन जाते हैं छोटे माइक्रो, वो ऐसे दिखेंगे नहीं लेकिन लेंस से दिखेंगे, इतने छोटे छोटे घाव होते हैं। लेकिन एसिडिटी फिर भी चलती रही, मतलब वो गैस बनता रहा लगातार कुछ महीनों तक, सालों तक, सालों साल तक। कई लोग होंगे आप में से जो 10 साल 20 साल 30 साल या जब से आप पैदा हुए हैं तब से एसिडिटी के शिकार ही हैं, आपने कभी ऐसा दिन देखा ही नहीं बिना एसिडिटी वाले, ऐसे भी लोग हैं। तो धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन जो है घाव वो बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा तो उसका नाम आ जाएगा अल्सर, यानी कि तब ब्लीडिंग होगी, आपके स्टूल से ब्लीडिंग होगी, तो आपको दर्द होगा, तो आप डॉक्टर पास जाएंगे तो बोलेगा अल्सर वर्ड। अब अल्सर की दवा चलेगी जबकि कोई दवा होती नहीं अल्सर की, जो भी दवा वो देंगे और अल्सर, लेकिन एसिडिटी ख़त्म नहीं हुई, अब अल्सर बढ़ता जाएगा, एक स्टेज आएगा जब वो कैंसर बन जाएगा, ट्यूमर बन जाएगा, राइट, और पेट के अंदर ही खून बहेगा और पेट में खून ही खून हो जाएगा एंड दैट इज़ द लास्ट स्टेज जिसमें डेथ हो। जब भी आप दो तरह के खाना खाएंगे अलग अलग तरह का जिसकी तासीर अलग अलग, बॉडी दो तरह के गैसेस प्रोड्यूस करेगी या केमिकल प्रोड्यूस करेगी, तो दवाई लेने से क्या उनमें से कोई केमिकल प्रोडक्शन कम हो जाएगा? नहीं, अगर तो कम हो जाएगा तो वो वाला फूड डाइजेस्ट कैसे होगा। तो आप एक बात समझ लीजिए कि एसिडिटी की कोई दवा हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो दवा जाएगी उसकी एक तीसरी तासीर है इन दोनों से अलग। ये दो केमिकल ऑलरेडी बॉडी ने प्रोड्यूस किया, एक तीसरा केमिकल जो बॉडी ने प्रोड्यूस नहीं किया लेकिन आप ले रहे हैं, और वो कहाँ जा रहा है, वो सीधे स्टमक पे जा रहा है जो ऑलरेडी एक बैटल ग्राउंड बना हुआ है, लड़ाई का मैदान ऑलरेडी बना चुका है। तो एसिडिटी के वक्त आप अगर कोई भी दवा लेते हैं, चाहे वो एसिडिटी को ठीक करने वाली दवा क्यों ना हो, या ऐसा बोला गया इससे ठीक हो जाएगा, अगर तो कोई बोलता है कि इससे ठीक हो जाएगा तो मान लो कि वो टेम्पररी रिलीफ दे सकता है एट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग यू मोर सिक, राइट, ऐसी कोई एसिडिटी की दवा हो ही नहीं सकती, राइट, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो एग्रेवेट करेगा, ठीक है, टेम्पररी कुछ रिलीफ देगा लेकिन और एग्रेवेट हो जाएगा। तो एसिडिटी के लिए छोटे मोटे दवाई जो लेते हैं, वो छोटे बड़े जो भी दवा लेते हैं या कोई चूर्ण ले लेते हैं, तो वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे आप अगले स्टेज में प्रोग्रेस हो रहे हैं। अभी इन्फ्लेमेशन था वो अल्सर की तरफ बढ़ रहे हैं, वो अल्सर था अब वो कैंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। कि जिन चीज़ों से एसिडिटी हो सकती है उन चीज़ों को अवॉइड करना, पहला तो यही सोल्यूशन हुआ। चंडीगढ़ में भारत का पहला इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज का हॉस्पिटल शुरू किया गया है जिसका नाम हिम्स रखा गया है, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जहां पर एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सब एक ही साथ पेशेंट को ठीक करने के उद्देश्य से काम करती है ये सारी पैथियां, जिसमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर अवधेश पांडे, आचार्य मनीष, डॉक्टर खादरवली और इन सब की पूरी नॉलेज, ट्रेनिंग और एजुकेशन को भी यूज किया जा रहा है। फिर चाहे आपकी बीमारी छोटी हो या बड़ी, चाहे लीवर फेल हो, किडनी खराब हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द, ऑटो इम्यून डिजीज हो या फिर स्टेज 4 कैंसर ही क्यों ना हो, या कोई ऐसी बीमारी जिसको आपके डॉक्टर ने ला इलाज बता दिया हो या फिर उस बीमारी का हल ऑपरेशन बताया हो, तो इन सभी समस्याओं का सही समय पर अगर समाधान किया जाए तो आपकी बीमारी का जड़ से समाधान हो सकता है।
अगर आप भी हैं किसी बीमारी से परेशान तो आप इस हिम्स हॉस्पिटल के अंदर आकर के अपनी बीमारी का जड़ से समाधान कर सकते हैं। 70 बेड के इस हॉस्पिटल के अंदर खाने पीने से लेके रहने तक का भी सारा इंतजाम किया गया है। अभी भारत के अंदर पटियाला, जीरकपुर, चंडीगढ़, डेराबसी और दिल्ली के अंदर 14 क्लिनिक शुरू हो चुके हैं, जहां पर सिर्फ खान पान और आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करके आपकी बीमारियों को रिवर्स करना सिखाया जाता है और आपको अपना डॉक्टर खुद बनाया जाता है, ताकि आप या आपके परिवार के अंदर किसी को कोई भी बीमारी आ गई है तो उसे कैसे निजात पा सकते हैं और भविष्य में और कोई बड़ी बीमारी या छोटी बीमारी ना आए उससे भी कैसे बचा जा सकता है, उसके बारे में भी आपको सिखाया जाता है। अगर आप या आपका कोई किसी भी गंभीर बीमारी से परेशान है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जैसे मान लो जो लोग इकोस्प्रिन लेते हैं, इकोस्प्रिन की तो एक हिस्ट्री रही है, इकोस्प्रिन या एस्प्रिन जिसे बोलते हैं, एक हिस्ट्री रही है कि वो आपको एसिडिटी करेगी ही करेगी। जो लोग एटोरवास्टेटिन स्टैटिन वगैरह लेते हैं उसकी हिस्ट्री रही है, वो आपको एसिडिटी करेगी ही करेगी। इस तरह की काफ़ी सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो विच इज़ प्रोन टू मेक यू एसिडिक, तो जब तक वो छोड़ेंगे नहीं तब तक आपकी एसिडिटी जाएगी नहीं, और एसिडिटी जानलेवा हो सकती है क्योंकि वो दवा ले रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन वही दवा कारण बन रहा है। आप देखिए यस कि जैसे आपने हार्ट डिजीज से प्रिवेंट होने के लिए एस्प्रिन लिया, तो एस्प्रिन लेने से आप हार्ट डिजीज को प्रिवेंट कर रहे हैं बट एट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग यू सिक विद स्टमक कैंसर। तो ऐसे लोग हार्ट डिजीज से मरे ना मरे स्टमक कैंसर से ज़रूर मरते हैं, ऐसे लोगों में स्टमक कैंसर से मरने की जो आंकड़े वो बढ़ जाते हैं। तो आपके मरने की पॉसिबिलिटी घटी नहीं दवा लेने से, उल्टा वो बढ़ गई, राइट। एक बीमारी थी पहले, अब दो बीमारी हो गई, एक हार्ट डिजीज तो था ही था, एक कैंसर भी हो गया। क्या करना चाहिए? पहले तो इन दवाइयों से पीछे छुड़ाना चाहिए। अगर मान लो आपने पीछे छुड़ा लिया और एसिडिटी फिर भी नहीं गई तो उसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन क्या है वो बड़ा ही सिंपल है। इसे हम बोलते हैं 3-स्टेप प्रोटोकॉल, स्टमक प्रोटोकॉल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहले 24 आवर फास्टिंग। मान लो आपको एसिडिटी है, भयंकर है, सालों साल से है, आप 2-3 दिन में ठीक होना चाहते हैं, तो सबसे पहले है 24 आवर फास्टिंग, 24 घंटे की फास्टिंग करनी है। कोकोनट वाटर फास्टिंग, कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं पियेंगे, नारियल पानी पियेंगे 3-4 ग्लास पूरे दिन भर में। जब पियेंगे तो पानी की तरफ ना पी के एक बार में चाय की तरह धीरे धीरे सिप करके पियेंगे, ताज़ा तो कोकोनट वाटर, ना कि पैक्ड एंड बॉटल्ड, राइट। और उसके अलावा अगर पेट में हल्का हल्का दर्द वगैरह भी है, डिस्कम्फर्ट्स भी है, तो आप अदरक को कूटेंगे, अदरक को कूट के 1 चम्मच जूस निकालेंगे। आप मिंट पुदीने को कूटे कूटेंगे, 1 चम्मच जूस निकालेंगे, दोनों 2 चम्मच हो गए, और 1 कप पानी में उसको मिला लेंगे, वार्म वाटर में उसको पी लेंगे धीरे धीरे चाय की तरह। तो ये दिन में, अगर तो पेट में ज़्यादा डिस्कम्फर्ट है दिन में 2 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, और अगर डिस्कम्फर्ट थोड़ा बहुत है तो आप 1 बार कर सकते हैं, डिस्कम्फर्ट नहीं है तो नहीं भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कितना डिस्कम्फर्ट ज़्यादा है, तो दिन में 3 बार किया। तो ये तो है पहला 24 घंटा। अगले दिन, राइट, आप ये जितना मैंने बताया इतना करना है, साथ में आप फल जोड़ लीजिए, सिर्फ फल खा के रहेंगे, 100 ग्राम 600 ग्राम फल खाएंगे और रहेंगे, कोई भी फल पूरे दिन भर में। तीसरा दिन फल के अलावा कुछ सब्जियां ले सकते हैं, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, उसको स्टीम कर लेंगे थोड़ा सा, कितना 200-300 ग्राम, और पहले दिन जो खा रहे थे वो भी खाएंगे, फल यानी कि नारियल पानी भी, और साथ में कुछ सब्जी स्टीम करके। ये जो 3 दिन बिताए ना आपने 72 आवर्स, इसमें बॉडी में 2 चीज़ें हुई, एक तो वो जो गैस बनने की प्रवृत्ति उसको ब्रेक किया बॉडी ने, दूसरा उस प्रवृत्ति वजह से जो इन्फ्लेमेशन है, माइक्रो इन्फ्लेमेशन है, अल्सर्स हैं, वो सबको बॉडी ने हील कर दिया। आप बोलेंगे 3 दिन में हील होगा, एक बात बताता हूँ मैं, मुंह से लेके आपका कोलोन तक जो एक पूरा एक पाइप है ना, से पाइप बोलेंगे 36 मीटर का पाइप, बड़ा लंबा पाइप होता है, राइट, अगर उसको पाइप की तरह लगाएं तो वहाँ पे हीलिंग 3 दिन में ही होती है, बड़ी फास्ट होती है, फास्टेस्ट, राइट। लेकिन वो 3 दिन माहौल देना पड़ता है, कौन सा माहौल, जो मैंने अभी बताया। तो आपके लंबी लंबी पुरानी पुरानी जो बीमारियां हैं वो ठीक हो जाएंगी। अब ठीक हो गई, अब ठीक रखना भी है, राइट। तो ठीक कैसे रखेंगे, इसके बाद आपको DIP डाइट पे रहना चाहिए ताकि इस तरह की दिक्कतें दोबारा ना हो, राइट, और किसी और तरह की दिक्कतें हैं तो वो भी ठीक हो जाए। चंडीगढ़ में भारत का पहला इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज का हॉस्पिटल शुरू किया गया है, जिसका नाम हिम्स रखा गया है, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जहां पर एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सब एक ही साथ पेशेंट को ठीक करने के उद्देश्य से काम करती है ये सारी पैथियां, जिसमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर अमर सिंह आजाद,
डॉक्टर अवधेश पांडे, आचार्य मनीष, डॉक्टर खादरवली और इन सब की पूरी नॉलेज, ट्रेनिंग और एजुकेशन को भी यूज किया जा रहा है। फिर चाहे आपकी बीमारी छोटी हो या बड़ी, चाहे लीवर फेल हो, किडनी खराब हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द, ऑटो इम्यून डिजीज हो या फिर स्टेज 4 कैंसर ही क्यों ना हो, या कोई ऐसी बीमारी जिसको आपके डॉक्टर ने ला इलाज बता दिया हो या फिर उस बीमारी का हल ऑपरेशन बताया हो, तो इन सभी समस्याओं का सही समय पर अगर समाधान किया जाए तो आपकी बीमारी का जड़ से समाधान हो सकता है। अगर आप भी हैं किसी बीमारी से परेशान तो आप इस हिम्स हॉस्पिटल के अंदर आकर के अपनी बीमारी का जड़ से समाधान कर सकते हैं। 70 बेड के इस हॉस्पिटल के अंदर खाने पीने से लेके रहने तक का भी सारा इंतजाम किया गया है। अभी भारत के अंदर पटियाला, जीरकपुर, चंडीगढ़, डेरा बसी और दिल्ली के अंदर 14 क्लिनिक शुरू हो चुके हैं, जहां पर सिर्फ खान पान और आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करके आपकी बीमारियों को रिवर्स करना सिखाया जाता है और आपको अपना डॉक्टर खुद बनाया जाता है, ताकि आप या आपके परिवार के अंदर किसी को कोई भी बीमारी आ गई है तो उसे कैसे निजात पा सकते हैं और भविष्य में और कोई बड़ी बीमारी या छोटी बीमारी ना आए उससे भी कैसे बचा जा सकता है, उसके बारे में भी आपको सिखाया जाता है। अगर आप या आपका कोई किसी भी गंभीर बीमारी से परेशान है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें